हमें बनारसी टमाटर का चाट बनाने के लिए पहले इस पैन में 2 टेबलस्पून ऐसे थोड़ा सा तेल ले लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा प्याज जाएगा, थोड़ा सा ही डालिए, थोड़ा सा जीरा जाएगा, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, प्याज को अच्छी तरह भून कर ले लीजिए, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ा सा लाल तीखा, और फिर उसमें ये टमाटर जाएगा, इसको अच्छी तरह मिलाइए और इसे एक 5 मिनट के लिए पकने दीजिए टमाटर की सब्जी को। बीच में इसमें नमक डालिए, थोड़ा सा ही डालिए, इसे और 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। इसे ऐसे थोड़ा सा स्मैश करके ले लीजिए। ये हमारी टमाटर की अभी सब्जी बन चुकी है, तो इसे अभी पैन से निकाल लेते हैं। अभी इसी सेम पैन में हम आलू की टिक्की के लिए थोड़ी सब्जी बनाकर ले लेते हैं। थोड़ा सा तेल ले लीजिए, फिर उसमें ये जीरा जाएगा, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा प्याज, और इसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, और थोड़ा सा लाल तीखा, और फिर इसमें ये आलू डाल दीजिए, इसको अच्छी तरह मिलाकर ले लीजिए। इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद उसमें ये थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल दीजिए, और इसको मिक्स करके गैस पर से उतारिए, और इसकी टिक्की बनाकर ले लेते हैं हम अभी। ये हमारी आलू की टिक्की बन चुकी है, तो अब हम प्लेटिंग करेंगे टमाटर के चाट का। प्लेटिंग करने के लिए पहले हमें ये आलू की ऐसे टिक्की लेनी होगी, ऐसे टिक्की लेंगे हम, उसको हल्के हाथ से सिर्फ ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, फिर उसमें उसके ऊपर ये टमाटर जाएगा, टमाटर की सब्जी, फिर उसके ऊपर हम ऐसे थोड़ा सा प्याज डालेंगे, फिर उसके ऊपर गरम मसाला, फिर थोड़ा सा नमक डालिए, फिर थोड़ा सा लाल तीखा, सौंफ की पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर, और ये थोड़ा सा चाट मसाला, फिर उसके ऊपर ये हम हरी चटनी डालेंगे, फिर उसके बाद ये जो नायलॉन की सेव होती है वो डालिए खूब सारी, और सबसे ऊपर ये जो रोस्टेड चना मसाला चना दाल है, ये ग्रोसरी में कहीं भी मिल जाती है, तो ये उसके ऊपर डालिए मसाला रोस्टेड चना दाल, और सबसे लास्ट धनिया के पत्ते। ये हमारी बनारसी टमाटर की चाट तैयार हो गई है।
तो आपने पूरी रेसिपी देखी होगी, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए और ज़रूर घर पर बनाकर देखिए, ये बहुत ही अच्छी बनती है, तो ज़रूर बनाकर देखिए। थैंक यू।